Okay, so good afternoon, students. My name is Pravindra Singh Bhan, Assistant Professor, Civil Engineering Department, DEI. So here I am going to teach the course that is wastewater treatment. Okay, so ये कोर्स बेसिकली हम पढ़ते हैं वाटर सप्लाई ट्रीटमेंट के बाद, मीन्स एक कोर्स है आपका वाटर सप्लाई. ओके, वाटर सप्लाई और इन सम अदर कॉलेज और इन सम अदर करिकुलम इट मे कॉल्ड एज एनवायरमेंट वन. एंड देन उसके बाद पढ़ते हैं नॉर्मली वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट, सप्लाई के बाद ट्रीटमेंट. ओके, दैट इज कॉल्ड एनवायरमेंट टू. हालांकि आप अगर वैसे देखो, कंटिन्यूटी में देखो, तो पहले ट्रीटमेंट होता है, देन सप्लाई होती है. ठीक है, एनीवे, तो इन दैट वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट, फर्स्ट वी विल सी व्हाट इज द वेस्ट वाटर. ओके, तो ये वैसे पहली क्लास है, बेसिकली इट्स काइंड ऑफ इंट्रोडक्शन क्लास. ओके, सो एक बेसिक इंट्रोडक्शन करते हैं, वेस्ट वाटर होता क्या है. ठीक है, किस किस वाटर को वेस्ट वाटर कहेंगे, किसे नहीं कहेंगे, ये कैसे जनरेट होता है, कहाँ से आता है, और ट्रीटमेंट का मतलब क्या है, क्यों कर रहे हैं ट्रीटमेंट. ठीक है, दिस थिंग विल सी इन दिस लेक्चर. ओके, सो एज द नेम इम्प्लाइज वेस्ट वाटर. ओके, वेस्ट वाटर, तो वाटर तो हमें पता है, चलो वाटर है, ठीक है, पानी है ये. अब ये पानी वेस्ट कैसे बना, ठीक है, मीन्स वाटर इन ह्यूमन डेली लाइफ, वी आर यूजिंग द वाटर. ठीक है, वी आर कंज्यूमिंग द वाटर, वी आर यूजिंग द वाटर. ठीक है, इन मैनी थिंग्स, ठीक है ना, खाना पीना है ना, वॉशिंग द क्लोथ्स, और इन बाथरूम, इन किचन है ना, इन वाटरिंग समथिंग है ना, ठीक है, लैंड्स वगैरह. तो वाटर का यूज़ हमको पता है. ठीक है, सो वाटर का यूज़ जब करते हैं तो सर्टेन अमाउंट ऑफ वाटर और द मैक्सिमम अमाउंट जो हम यूज़ कर रहे हैं उसका वेस्ट में आता है. लेट अस सपोज इतना पानी हमने डाला, ठीक है ना, तो बहुत कम परसेंटेज पानी वो कंज्यूम होता है. ठीक है, और देन द जो लार्ज अमाउंट ऑफ वाटर दैट विल बी कन्वर्टेड इनटू द वेस्ट वाटर फ्रॉम दी द रॉ वाटर, जो रॉ वाटर हमने यूज करा. ठीक है, अब जैसे यहाँ पे फर्स्ट लाइन लिखी, यूजुअली रेफर्स टू सी वेस्ट ट्रीटमेंट और डोमेस्टिक वाटर वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट. ठीक है, ये कह रहे हैं कि ट्रीटमेंट किस चीज का ट्रीटमेंट करना है. ठीक है, ट्रीटमेंट करना है हमें जो वेस्ट, डोमेस्टिक वेस्ट वाटर है और सीवेज जो है. ठीक है, दैट डोमेस्टिक वेस्ट वाटर पता चल गया कहाँ से आएगा, किचन से आएगा, ठीक है ना, वो बाथरूम से आएगा, टॉयलेट से आएगा, राइट. तो ये सब जो वाटर निकल के आ रहा है इसको हमें ट्रीट करना है. ठीक है, ट्रीट करने का मतलब इसमें कुछ हार्मफुल गैसेस हैं, ठीक है, इसमें कुछ बैक्टीरियाज हैं, इसमें कुछ डिफिशियंसी ऑफ ऑक्सीजन है, ठीक है, इसमें कुछ टॉक्सिक मेटल्स हैं, तो ये सब जो है वी कैन नॉट यूज. ठीक है, दिस थिंग वी कैन नॉट कांट यूज, और वो ज्यादा टॉक्सिक है तो वी कैन नॉट डिस्पोज इनटू स्ट्रीम, एनी स्ट्रीम, रिवर और एनीथिंग. तो क्या कह रहे हैं कि या तो इस वेस्ट वाटर जो भी हमारा आया किचन वगैरह से, बाथरूम से, ठीक है, इस वेस्ट वाटर को या तो हमें क्या करना है, रीयूज करना है, रीयूज करना है, ट्रीटमेंट करके दोबारा यूज करना है, और हमें अगर वो बाथरूम से है, टॉयलेट से है, तो हमें इसको डिस्पोज करना है अगर, तो वी कैन नॉट डिस्पोज दिस वेस्ट वाटर डायरेक्टली इन टू द रिवर और स्ट्रीम. ठीक है,
अगर हम इस वाटर क्यों अगर हम इस वेस्ट वाटर को डायरेक्टली डिस्पोज कर देंगे, डायरेक्टली वहाँ पे डाल देंगे आपके रिवर में, सी में और वट एवर एनी स्ट्रीम में, तो वहाँ की जो एक्वेटिक लाइफ है, वहाँ की जो एक्वेटिक लाइफ है वो डिस्टर्ब होगी। आपने पानी में डाल दिया, ठीक है ना, तो उसमें जो मछलियाँ हैं, जो और भी चीज़ें हैं, या उसमें जो एल्गी प्लांट्स हैं, उनको वो वेस्ट वाटर अफेक्ट करेगा। अल्टीमेटली आवर एनवायरमेंट विल अफेक्ट, ठीक है। एनवायरमेंट हमारा एक मेजर कंसिड्रेशन है, सब चीज़ एनवायरमेंट से ही रिलेटेड है, ठीक है। तो एनवायरमेंट को तो हम हार्म नहीं कर सकते, नॉट एट ऑल इन, है ना, एनी कंडीशन। सो बेसिकली तो हमें डिस्पोज जब करना है तो वी हैव सर्टेन पैरामीटर्स, लाइक इतना इसका ऑक्सीजन वैल्यू होना चाहिए, इतना इसमें यू नो सस्पेंडेड सॉलिड होना चाहिए, इतना इसमें मेटल्स का कुछ है तो ये क्राइटेरिया होना चाहिए, राइट। तो इसमें कुछ सर्टेन पैरामीटर्स हैं, वो पैरामीटर्स दैट वी हैव टू एनालाइज, वी हैव टू सी, सो दैट दीज पैरामीटर आर अंडर द परमिसिबल लिमिट। जो पैरामीटर्स हैं वो एक लिमिट होती है, दैट लिमिट लिमिट इज इन मिलीग्राम पर लीटर। क्या बोला मैंने? दैट लिमिट इज इन मिलीग्राम पर लीटर। यहाँ पे जो मोस्टली हम यूनिट पढ़ेंगे पैरामीटर्स की, वो पढ़ेंगे मिलीग्राम पर लीटर में, और इसको कहते हैं पीपीएम, पार्ट्स पर मिलियन, ठीक है। तो ये जो पैरामीटर्स हैं, एक परमिसिबल लिमिट होगी इनकी, उससे ये कम होनी चाहिए, ठीक है। अगर एक्सीड कर रहे हैं देन वी कैन नॉट डिस्पोज इट, राइट, और वी कैन नॉट रीयूज इट। सो हमें इसको लिमिट करना है, उन वैल्यू से हमें इन्हें कम करना है। तो अगर इन वैल्यू को क्रॉस कर रहे हैं, इट मीन्स हमें ट्रीटमेंट करना है, हमें इन्हें ट्रीट करना है, साफ करना है पानी को, देन देखना है परमिसिबल लिमिट से ज़्यादा तो नहीं आ रहा है। ज़्यादा नहीं आ रहा है देन फाइन, ट्रीटमेंट करने के बाद ज़्यादा नहीं आएगा देन ओके, देन वी कैन डिस्पोज वाटर इन टू दी रिवर और स्ट्रीम। तो ये है आपका, तो यहाँ पे देखिए लिखा भी है प्रोसेस ऑफ रिमूविंग कंटामिनेंट्स फ्रॉम द वेस्ट वाटर बोथ रन ऑफ एंड डोमेस्टिक। अच्छा, तो इनका कहने का मतलब ये हुआ, नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं, ये कहने का मतलब ये हुआ कि वेस्ट वाटर एक तो कंसिडर करा हमने डोमेस्टिक, द वाटर विच इज कमिंग फ्रॉम डोमेस्टिक यूज, ठीक है, घर से जो आ रहा है। दूसरा इन्होंने बोला रन ऑफ। अब देखते हैं व्हाट इज दिस मीनिंग रन ऑफ। रन ऑफ का मतलब है, जैसे मान लीजिए आपका यहाँ पर घर है ना, दिस इज द लैंड, ये आपका होम है, जो भी रेनफॉल हुई वो यहाँ पर, ठीक है, यहाँ पर फॉल होगी, रेनफॉल यहाँ पे डिपॉजिट होगी, फॉल होगी, तो जो रेन वाटर यहाँ पे गिरा, रेनफॉल एकुमुलेट हुई, कुछ ये ट्रैवल करेगी स्लोप, मान लीजिए रोड का इस तरफ है, तो स्लोप के द्वारा, स्लोप की वजह से ग्रेविटी अफेक्ट में ये ट्रैवल करेगा पानी, तो नालियों से होते हुए या ये फर्श से होते हुए पानी, रोड से होते हुए पानी ये यहाँ पे जाके कहीं पे कलेक्ट होगा। तो ये जो वाटर कलेक्ट हो रहा है ये एक ट्रीटेड वाटर नहीं है, ये कॉन्टामिनेट वाटर है, ये गंदा पानी है, राइट। तो इसको एक ये पानी हो गया, है ना, कहीं जाके यहाँ पर ये मान लीजिए एक मैन हाउस में जाके चले गया। दूसरा हमारे घर से जो डोमेस्टिक यूज मैंने बताया, वो सब बाथरूम वगैरह से आया वो सब, तो दोनों वजह से जो पानी कलेक्ट हुआ हमारे पास, उसको हमें क्या करना है, ट्रीट करना है बेसिकली, ठीक है। सो ये तो हो गया व्हाट इज वेस्ट वाटर और हम इसे ट्रीट कर रहे हैं। अच्छा, तो हम कर क्या रहे हैं बेसिकली, एक नेक्स्ट पॉइंट यहाँ पर मेंशन किया है, गोल्स। तो हमारे गोल्स क्या हैं, हमारे ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं, व्हाट वी वांट टू डू। सो वी वांट टू डू टू प्रोड्यूस वेस्ट स्ट्रीम एफ्लुएंट, ओके, टू प्रोड्यूस वेस्ट स्ट्रीम एफ्लुएंट, टू प्रोड्यूस सॉलिड वेस्ट स्लज, टू डिस्चार्ज और रीयूज देम बैक इनटू द एनवायरनमेंट। तो क्या करना है, पहले एफ्लुएंट निकालना है, मतलब कहने का मतलब ये हो गया कि जो भी वेस्ट वाटर आया, हमने कुछ ट्रीटमेंट किया, हमारी ट्रीटमेंट यूनिट है, इस यूनिट के बारे में भी हम आगे पढ़ेंगे, किस यूनिट में क्या क्या यू नो टैंक्स होते हैं, कुछ स्क्रीन्स होती हैं, कुछ कुछ पूरा सिस्टम होता है वो क्या है। बट एक अभी मान लीजिए एक यूनिट है, इस यूनिट से ट्रीट होके आया और सॉलिड पोर्शन हमने यहाँ पर जो है डिपॉजिट हो गया, यहाँ पर एकुमुलेट हो गया, ठीक है, इसको हमने निकाल लिया और
बचा हुआ जो पानी था सिर्फ वाटर वो हमने आगे पास कर दिया। तो ये ट्रीटेड वाटर है जो ये ओनली वाटर वाटर है, सॉलिड इसमें से अलग हो चुका है, दैट वाटर इज कॉल्ड एफ्लुएंट। ठीक। और जो यहाँ पे सॉलिड डिपॉजिट हो चुका है उसको हम कहते हैं स्लज, दिस इज कॉल्ड स्लज। तो ये सॉलिड सॉलिड स्लज हमें अलग सेपरेट करना है, राइट। एंड ये एफ्लुएंट हमें सेपरेट करना है। थर्ड वन इज डिस्चार्ज और रीयूज देम बैक इनटू द एनवायरनमेंट। या तो हमें इसको डिस्चार्ज करना है, जैसे मैंने बताया था डिस्चार्ज इनटू स्ट्रीम, और हमें इसको डिस्चार्ज नहीं करना है, इसको ट्रीट करना है और फर्दर रीयूज करना है और इसको कम्युनिटी को सप्लाई करना है। ठीक है। तो ये हमारा बेसिकली टास्क है एज ए इंजीनियर, हमारा गोल है। तो ये सब करने के लिए हमें कुछ पहले पैरामीटर्स एनालाइज करने पड़ेंगे। उन पैरामीटर्स को एनालाइज करते हुए उसके तहत हम अपनी ट्रीटमेंट प्रोसेस को जो है उसमें वेस्ट वाटर को देंगे और वो फिर हमारा वेस्ट वाटर ट्रीट होगा, देन फर्दर वी कैन ओनली यूज दैट। ओके। सो ये बेसिकली आपको एक आइडिया लगा कि व्हाट इज द वेस्ट वाटर एंड व्हाट वी आर डूइंग, व्हाट वी हैव टू डू। ओके। सो दिस सब्जेक्ट इज वेरी इम्पॉर्टेंट एज अ सिविल इंजीनियर और एज अ यू नो एज अ इंजीनियर बेसिकली, क्योंकि इन्वायरमेंट हमारा बहुत बड़ा मुद्दा है, बहुत बड़ा कंसिडरेशन है, राइट। और गवर्नमेंट का भी बहुत बड़ा कंसिडरेशन है कि इन्वायरमेंट जब तक क्लीन नहीं रहेगा, ठीक है, तो तब तक हम सर्वाइव नहीं कर सकते हैं। और इन्वायरमेंट में आपका वाटर तो इम्पॉर्टेंट है ही, है ना। एयर इम्पॉर्टेंट है, वाटर इम्पॉर्टेंट है। तो एयर की तो इसमें अभी फिलहाल बात नहीं कर रहे हैं, फिलहाल हम वाटर की बात कर रहे हैं। ठीक। अब जैसे कि पहले डिस्कस कर चुके हैं, वैसे एक बार और, वेयर डज दिस वेस्ट वाटर कम फ्रॉम, ये कहाँ से आ रहा है। तो ये तो रेजिडेंस से आ रहा है ना, डोमेस्टिक रेजिडेंस, घरों से आ रहा है, घरों में किचन से आ रहा है, बाथरूम्स वगैरह से आ रहा है, राइट। ओके, फाइन। कमर्शियल इंस्टीट्यूशन, ये कमर्शियल इंस्टीट्यूशन से भी आ रहा है ना। मान लीजिए कोई कोचिंग सेंटर है, राइट, कोई बिजनेस बिल्डिंग है, कोई कंपनी का ऑफिस है, तो वहाँ से भी आएगा, है ना, वन ऑफ द सेम थिंग वैसे। एंड थर्ड वन इज इंडस्ट्रियल इंस्टीट्यूशन यूजली रिक्वायर स्पेशल ट्रीटमेंट प्रोसेस। तो ये कह रहे हैं कि इंडस्ट्रियल से भी आता है, यानी फैक्ट्रीज से आता है। तो इसमें से जो वेस्ट वाटर आता है, इसके कैरेक्टरिस्टिक्स कुछ अलग हैं इन दोनों की, ठीक है ना। इसमें थोड़ी चीज़ें बायोलॉजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स ज़्यादा आती हैं, बायोलॉजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स में ज़्यादा आती है, राइट। और जो ये थर्ड वन है इंडस्ट्रियल इंस्टीट्यूशन वाला, फैक्ट्रीज वाला, केमिकल फैक्ट्रीज वगैरह और एनी फैक्ट्रीज वगैरह, इन फैक्ट्रीज से जो कैरेक्टरिस्टिक्स आएंगे वो केमिकल ज़्यादा होती हैं, केमिकल इन नेचर। ये बायोलॉजिकल, ये केमिकल। तो जाहिर सी बात है जब कैरेक्टरिस्टिक्स अलग हैं, है ना, कॉन्टेमिनेशन का पैटर्न अलग है, कॉन्टेमिनेशन अलग अलग तरह का है, तो ट्रीटमेंट भी जाहिर सी बात है कि अलग अलग तरह का ही होना चाहिए। तो ट्रीटमेंट ऑल्सो डिफरेंट फॉर बोथ दिस बायोलॉजिकल एंड फॉर दिस केमिकल, राइट, दैट वी विल सी लेटर कि क्या है। सो हाउ कैन इट बी ट्रीटेड, राइट। तो ट्रीटेड कलेक्टेड एंड ट्रांसपोर्टेड वाया अ नेटवर्क of pipe and pump station to a municipal treatment plant. Okay, so collection करना है, transportation करना है of a, ठीक है, मतलब of wastewater with the help of pipes and pump station to the municipal treatment plant. तो जहाँ से भी हम हमारे house से जो basically sewers होते हैं, तो house sewer से जाएगा, फिर ये branch sewer में जाएगा, branch lateral sewer में जाएगा, okay? तो इस तरह से ये कई तरह के उसमें यू नो पाइप्स में जाएगा, फिर ये पाइप से हमें इसको बेसिकली वहाँ तक पहुँचाना होता है आपके म्यूनिसिपल यू नो म्यूनिसिपल ट्रीटमेंट प्लांट तक। देन वहाँ से फिर जो है फर्दर रहता है कि आगे इसको प्रोसेस किया जाए और आगे इसको जो है ट्रीटमेंट किया जाए, फर्दर इसकी जो है परमिसिबल लिमिट चेक करी जाए और फिर इसको जो है आगे कहीं कम्युनिटी में सप्लाई किया जाए और इसको जो है आपका
या फिर इसको जो है डिस्पोज किया जाए स्ट्रीम में, राइट। ठीक है, तो ये है। तो नेक्स्ट देखते हैं। सो थ्री स्टेज ऑफ वाटर ट्रीटमेंट, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है अभी। तो बेसिकली जो हम वाटर ट्रीट कर रहे हैं, ट्रीटमेंट कर रहे हैं उसको, यू नो, साफ कर रहे हैं पानी को, तो बेसिकली तीन स्टेजेस से हम वो पास होता है। तो तीन स्टेजेस आपके सामने हैं। पहली स्टेज है आपकी प्राइमरी, ठीक है, सेकंड, अनदर स्टेज इज सेकेंडरी, ओके, एंड थर्ड स्टेज इज टर्शियरी। सो प्राइमरी में क्या कर रहे हैं, सॉलिड्स आर सेपरेटेड। बेसिकली वी हैव समथिंग, वी हैव स्क्रीन्स फर्स्ट, ठीक है, छन्नियाँ स्क्रीन्स हैं हमारे पास। वी हैव सर्टेन टैंक्स कॉल्ड एज सेडिमेंटेशन टैंक, राइट। तो उसमें जो है ग्रेविटी सेटलिंग होती है सॉलिड्स की, राइट। तो ये कुछ चीज़ें इस तरह से हैं जिसपे हम चाहते हैं कि हमारे सॉलिड्स, एटलीस्ट बिगर सॉलिड्स, सॉलिड्स सेपरेट हो जाएं, सॉलिड्स हमें अलग से मिल जाए। दैट सॉलिड्स आर, वो कुछ भी हो सकते हैं। दैट मे बी ए ग्रिट, ग्रिट का मतलब दैट मे बी एग्रीगेट। एग्रीगेट तो आपने सिविल इंजीनियरिंग में पढ़ ही लिया है ना, बजरी, गिट्टी बजरी, दैट मे बी, है ना, स्टोन बजरी, दैट मे बी, यू नो, कुछ पीस ऑफ अ वुड, पीस ऑफ अ वुड, लकड़ी का कोई पीस हो सकता है, ठीक है, कुछ पत्ती, पेड़ पौधों का, यू नो, ट्रीज का कोई पार्ट हो सकता है, राइट, कुछ पॉलिथीन वगैरह हो सकता है, कुछ भी, मतलब लाइक अ सॉलिड। तो वो हमें, इसमें हमारा टास्क है कि दैट वी हैव टू वेरीफाई और वी हैव टू, यू नो, सेपरेट दिस, यू नो, सॉलिड इन दिस प्राइमरी ट्रीटमेंट। देन उसके बाद हमारा आता है बेसिकली सेकेंडरी ट्रीटमेंट। तो सेकेंडरी में क्या है, डिजॉल्व बायोलॉजिकल मैटर इज कन्वर्टेड इंटू सॉलिड मास बाय यूजिंग द वाटर बॉर्न बैक्टीरिया, और 95% ऑफ द सस्पेंडेड मॉलिक्यूल्स शुड बी रिमूव्ड। तो इसमें कह रहे हैं कि वी हैव सर्टेन, यू नो, फिल्टर्स, ट्रिकलिंग फिल्टर्स, सर्टेन फिल्टर्स, जिसमें हमें वेस्ट वाटर अपना जो भी यहाँ से निकल के आया प्राइमरी के बाद आगे जो पास हो उसमें हमें फिल्टर्स से, यू नो, प्रोसेस करना है, डाइजेशन टैंक से प्रोसेस करना है, जिससे कि उसमें, यू नो, कुछ बैक्टीरिया जनरेट होंगे। तो उन बैक्टीरिया को कहते हैं एरोबिक बैक्टीरिया, ठीक है, एनारोबिक भी होता है एरोबिक। एरोबिक का मतलब होता है ऐसे बैक्टीरिया जो अपना काम करते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन। एनारोबिक बैक्टीरिया वो होते हैं जो अपना काम करते हैं, अपना काम का मतलब जो डिकम्पोज करते हैं खाने को, खाना मतलब इनका खाना। बैक्टीरिया का खाना क्या होगा, ऑर्गेनिक मैटर्स खाएंगे, कुछ मैटर्स को खाएंगे। तो जैसे बैक्टीरिया जो डिकम्पोज करते हैं, खनन करते हैं, गठन करते हैं, सॉरी, इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, दैट इज कॉल्ड एरोबिक बैक्टीरिया। और जो वर्क करते हैं, डिकम्पोजिशन करते हैं इन अब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन, दैट इज कॉल्ड एनारोबिक बैक्टीरिया। तो वो बैक्टीरिया डिकम्पोज करेंगे, ठीक है, ठीक है, और हमारे वेस्ट वाटर को कुछ ऑक्सीजन भी कंज्यूम करेंगे और एरोबिक है तो, और फिर हमारे वेस्ट वाटर को वो ट्रीट कर देंगे, राइट, ओके, और जो सस्पेंडेड आपके जो कॉन्टामिनेंट्स है वो रिमूव हो जाएंगे, राइट। थर्ड वन इज द टर्शरी, जो भी यहाँ पर चीज़ें बचती हैं परमिसिबल लिमिट से बाहर जाती है वो यहाँ पर फाइनली ट्रीट होती है। बायोलॉजिकल सॉलिड्स आर न्यूट्रलाइज देन डिस्पोज एंड ट्रीटेड वाटर में भी डिसइंफेक्टेड केमिकली और फिजिकली। सो जो भी है आप यहाँ पे फिर फर्दरली न्यूट्रलाइजेशन करोगे, है ना, एसिड बेस वगैरह देखोगे, फर्दर है तो फर्दर आप एडवांस ट्रीटमेंट करोगे, राइट, सेकेंडरी, यू नो, एरेशन टैंक वगैरह लगाओगे, एक्टिवेटेड स्लज वगैरह ट्रीटमेंट करोगे, ठीक है, बीओडी सीओडी चेक करोगे, वो लिमिट से बाहर है तो आप उसको मिनिमाइज करोगे। बीओडी होता है बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड, और सीओडी होता है केमिकल ऑक्सीजन डिमांड। ये डिमांड का मतलब क्या है कि डिटेल में तो इन टॉपिक्स को हम बाद में पढ़ेंगे, बस अभी ओवरव्यू में आप इतना समझ लीजिए कि डिमांड का मतलब द वाटर में
केमिकल डिमांड है या बायोकेमिकल डिमांड है, बायोलॉजिकल बायोकेमिकल और केमिकल डिमांड है, मतलब इतना ऑक्सीजन चाहिए उस वेस्ट वाटर को, उस ऑर्गेनिक मैटर को ट्रीट होने के लिए, ठीक है ना। उसका बीओडी ज़्यादा है मतलब उतना ऑक्सीजन चाहिए हमारे बैक्टीरिया को उस ऑर्गेनिक मैटर को ट्रीट करने के लिए, ठीक है। ये इसका बेसिकली एक मीनिंग हो गया, डिटेल में इसको बाद में देखेंगे। तो ये सब ट्रीट होने के बाद डिसइन्फेक्शन करते हैं, डिसइन्फेक्शन करा जाता है बेसिकली फर्दर बैक्टीरिया जनरेट ना हो उसमें या फ्यूचर कॉन्टेमिनेशन ना हो। तो इसमें क्लोरीन वगैरह, जैसे हम आपको रफली पता होगा ब्लीचिंग पाउडर वगैरह क्लोरीन हम यूज़ करते हैं, ठीक है, और भी तरह से करते हैं, दैट विल सी लेटर। ये सब ट्रीट करने के बाद फर्दर फिर वाटर प्रोसेस होता है आगे। ये टाइप्स ऑफ ट्रीटमेंट को उन्होंने डिफाइन करा है अलग तरीके से। फर्स्ट वन इज द मैकेनिकल ट्रीटमेंट। मैकेनिकल में यू नो इन्फ्लुएंट वगैरह जैसे वो उसमें आता है, रॉ वाटर एंटर करता है, ठीक है, स्क्रीन्स वगैरह में, रिमूवल ऑफ लार्ज ऑब्जेक्ट्स। लार्ज ऑब्जेक्ट ऑब्जेक्ट्स मैंने बताया था, ग्रिड्स वगैरह हैं, एग्रीगेट्स हैं, बजरी है, पीस ऑफ वुड है, पीस ऑफ ट्री है ना, पीस ऑफ क्लोथ है, लाइक दैट। रिमूवल ऑफ ग्रिड्स वगैरह हो गया, ठीक है। प्राइमरी सेडिमेंटेशन, तो सेडिमेंटेशन टैंक के बारे में बताया था आपको, एक टैंक होता है उसमें वाटर को हम यू नो स्टिल रखते हैं कुछ टाइम के लिए, और कुछ केस में उसको रेगुलर कंटिन्यूस फ्लो टैंक भी होता है, तो लेंथ उसकी बहुत ज़्यादा होती है। तो हम चाहते हैं कि जो सॉलिड है वो ग्रेविटी के द्वारा नीचे सेटल हो जाए और नीचे एकोमुलेट हो जाए, डिपॉजिट हो जाए, और ऊपर जो पानी है वो हम आगे पास कर दें, इस तरह से होता है, राइट। बायोलॉजिकल ट्रीटमेंट मैंने जैसे बताया था, टिकलिंग फिल्टर वगैरह होता है, एक्टिवेटेड स्लज ट्रीटमेंट होता है, फिल्टर्स होते हैं, फिल्टर बेड्स होते हैं, ठीक है, उसमें बैक्टीरियाज इसको जो है वो यू नो ऑर्गेनिक मैटर को डिकम्पोज करते हैं और ट्रीट करते हैं, ठीक है। एक्टिवेटेड स्लज होता है, इसमें एरेशन टैंक वगैरह होता है, ट्रीटमेंट होता है, फिर फर्दर आगे होता आगे उसे यू नो ट्रीटेड वेस्ट वाटर को ले जाते हैं। सम परसेंटेज विल गो यू नो आगे चला जाता है, सम परसेंटेज ऑफ वाटर विल रिसर्कुलेट टू ट्रीट दी अनदर कमिंग वाटर और टू ट्रीट दी अनदर कमिंग रॉ वाटर, ठीक है, इस तरह से चीज़ें हैं। फिर केमिकल जो डिसइंफेक्शन हम कर रहे थे, क्लोरीन वगैरह, क्लोरीन और यू नो ब्लीचिंग पाउडर वगैरह मिक्स कर रहे थे, दैट इज कॉल्ड एज केमिकल ट्रीटमेंट, राइट। तो ये एक आपका हो गया। तो ये तो ओवरव्यू था बेसिकली, और इसमें अगर हम और एंटर करेंगे कि व्हाट इज द प्रीलिमिनरी ट्रीटमेंट, प्राइमरी से पहले प्रीलिमिनरी, व्हाट इज प्राइमरी, व्हाट इज सेकेंडरी, व्हाट इज टर्शरी, ओके, तो इसमें फिर हम थोड़ा सा और डीप एंटर करते हैं, है ना। प्रीलिमिनरी ट्रीटमेंट में क्या रहा है, रिमूव द लार्ज ऑब्जेक्ट्स। लार्ज ऑब्जेक्ट्स में क्या क्या है, जैसे मैंने बताया था, तो उसमें काफ़ी सारी चीज़ें हैं, स्टिक्स हैं, रैक्स हैं, मे बी ए टॉयलेट पेपर, मे बी ए टैम्पॉन्स, ओके। कैसे करेंगे, तो विद द हेल्प ऑफ रैक्ड स्क्रीन्स, है ना, रैक्ड स्क्रीन्स। तो स्क्रीन होती हैं बेसिकली, वाटर इधर से एंटर करता है, हम स्क्रीन लगाते हैं, ठीक है, और वो स्क्रीन से वाटर आगे पास हो जाएगा और जो भी लार्ज ऑब्जेक्ट हैं वो यहाँ पर सेपरेट हो जाएंगे, है ना। क्लॉगिंग, क्लॉगिंग होती है, क्लॉग इक्विपमेंट्स होते हैं, ठीक है ना, बेसिकली वो स्क्रीन टाइप ही होता है। प्राइमरी, प्राइमरी प्रिलिमिनरी के दो पार्ट कर दिए, प्राइमरी के ही एक छोटा सा पार्ट है प्रीलिमिनरी, ठीक है ना। तो प्राइमरी में बेसिकली हम क्या रिमूव कर रहे हैं, ऑयल एंड ग्रीस। ऑयल्स और ग्रीस जो भी होता है हमारे वेस्ट वाटर में वो यहाँ पे आके रिमूव होता है, ठीक है, और ये रिमूव जो करता है उसको बोलते हैं हम स्कीमिंग टैंक, स्कीमिंग टैंक। इस टैंक में इस तरह का एक बड़ा सा जो है टैंक होता है आपका, ठीक है, और इसमें इस तरह से यहाँ पे कि फ्लोटिंग बार होता है, इसमें कुछ यू नो इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट यू नो कनेक्टेड होता है, और दिस विल फ्लोट लाइक दिस दिस, है ना, और इस तरह से ये जो बार है कभी यहाँ कभी वहाँ इस तरह से करता रहता है, और धीरे धीरे जो है तो ऑयल और ग्रीस ऊपर आ जाता है, और ये ऑयल और ग्रीस को स्कम लेयर्स को ये अलग सेपरेट कर देता है, राइट। सैंड एंड ग्रेवल्स, ठीक है, ग्रिड्स, तो सैंड एंड ग्रेवल्स ग्रिड्स जो होती हैं जो स्क्रीन से नहीं सेपरेट हो पाती हैं, उसके लिए हमारा ग्रिड चैम्बर होता है बेसिकली, ग्रिड चैम्बर में ये सेपरेट होती हैं।
विक चैम्बर क्या होता है, कैसे वर्क करता है, ये हम बाद में देखेंगे, राइट। लार्ज सेटलेबल सॉलिड्स इंक्लूडिंग ह्यूमन वेस्ट एंड फ्लोटिंग मटेरियल्स, ठीक है, ये सब भी इसमें सेपरेट हो जाता है लिड चैम्बर के थ्रू। जो भी और बचता है वो आपका फर्दर लिड चैम्बर के बाद जाता है किसमें, सेडिमेंटेशन टैंक में, ठीक है। दिस इज कॉल्ड एज प्राइमरी ट्रीटमेंट, ठीक है। मेथड यूज इन द प्राइमरी ट्रीटमेंट, सैंड कैचर्स, रिमूव सैंड एंड ग्रेट्स, कंट्रोल वेस्ट वाटर वेलोसिटी, सैंड ग्रेट एंड स्टोन सेटल, ठीक है, कीप सस्पेंडेड ऑर्गेनिक मैटर इन द वाटर, ठीक है। अदर पॉइंट इज डैमेज इक्विपमेंट्स इन द रिमेनिंग ट्रीटमेंट स्टेज लैंडफिल्स, ये तो भी रहने दीजिए आप। तो सैंड कैचर्स वही हो गया आपका, सैंड रिमूवर्स बेसिकली, ग्रेट रिमूवर्स, ठीक है, स्पेशल नहीं है। तो दिस इज अ पिक्चर ऑफ अ प्राइमरी सेडिमेंटेशन टैंक, ठीक है, दिस इज सेडिमेंटेशन टैंक, एक बड़ा सा टैंक है, वाटर इज कमिंग एंड यू नो द सॉलिड्स विल सेटल बाय द ग्रेविटी, राइट, रिमूविंग वायर एंड ग्रीस, सॉलिड सेटल्स, फ्लोटिंग मटीरियल राइज टू द सरफेस, दिस पार्ट बेसिकली स्कीमिंग टैंक, राइट। द प्रोड्यूस अ होमोलोगस लिक्विड फॉर अ लेटर बायोलॉजिकल ट्रीटमेंट, फिकल स्लज आर पम्प्ड टू द स्लज ट्रीटमेंट प्लांट, राइट, ठीक है। उसके बाद इसे जो है ट्रीटमेंट प्लांट तक पंप किया जाता है, ठीक है। तो ये है ऑर्गेनिक मैटर जो ट्रीट होता है बेसिकली, वो आपका ट्रीट होता है सेकेंडरी में, ठीक है ना, ये हो गया इनऑर्गेनिक जो होता है आपका सॉलिड, वो हो गया ट्रीट आपका प्राइमरी में, और सेकेंडरी में आपका क्या ट्रीट होगा, ऑर्गेनिक मैटर्स, ठीक है ना, बैक्टीरियाज, है ना, ऑक्सीजन जो डिप्लीशन हुआ है वो सब, ठीक है। तो ये जो है आपका सेकेंडरी में होता है, ठीक है। तो ये आपका सस्पेंडेड सिस्टम होता है, कुछ यू नो लघु सिस्टम होता है, ठीक है, अटैच सिस्टम और सस्पेंडेड सिस्टम होता है। तो इसमें अलग अलग तरह के फिल्टर्स वगैरह हम पढ़ेंगे आगे, ठीक है ना। ट्रिकलिंग, ये देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है ट्रिकलिंग फिल्टर्स, रोटेटिंग बायोलॉजिकल कॉन्टैक्टर्स, तो ये RBC और ट्रिकलिंग फिल्टर ये इंपॉर्टेंट है, ये दोनों बहुत वेल स्टडी। अभी ओवरव्यू के लिए देख लीजिए, यहाँ पर ट्रिकलिंग फिल्टर गिवन है आपका, देखिए दिस इज अ ट्रिकलिंग फिल्टर, एक बेड होगा इसमें, इसमें जो है स्प्रिंकलिंग किया जाएगा आपका सीवेज वाटर को, स्प्रेडिंग द वेस्ट वाटर ओवर द माइक्रो ऑर्गेनिज्म। अब यहाँ पे माइक्रो ऑर्गेनिज्म जनरेट किए जाते हैं, ठीक है, यहाँ पर इस बेड में, ताकि जो भी हम वेस्ट वाटर इसके ऊपर यू नो स्प्रिंकल करें, डिपॉजिट करें और स्प्रेड करें, वो डिकम्पोज करेंगे हमारे ये माइक्रो ऑर्गेनिज्म, बैक्टीरिया वगैरह, ठीक है ना, और इस डिकम्पोजिट करके इसको ट्रीट कर देंगे, राइट। ये बेड जो होता है ये किसका बनता है, इट इज मेड ऑफ अ कार्बनाइज्ड कोल, एक्टिवेटेड कार्बन, लाइमस्टोन, चिप्स और स्पेशली फैब्रिकेटेड प्लास्टिक मीडिया, इस तरह का ये हम बेड तैयार करते हैं ट्रिकलिंग फिल्टर का, राइट। ऑप्टिमाइज देयर थिकनेस बाय इंसेक्ट और वॉर्म ग्रेजिंग, ठीक है, इस तरह से इसकी थिकनेस हम ऑप्टिमाइज करते हैं, रेगुलेट करते हैं, डिजाइन करते हैं, ठीक है। तो ये सस्पेंडेड सिस्टम एक्टिवेटेड स्लज, दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, वेरी इंपॉर्टेंट यू नो चैप्टर का एक बहुत बड़ा टॉपिक है, इसको न्यूमेरिकल भी आता है, इसको देखेंगे बाद में। तो मिक्स कम्युनिटी ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म बोथ एरोबिक एंड एनारोबिक बैक्टीरिया में एग्जिस्ट, बायोलॉजिकल ब्लॉक्स में भी फॉर्म्ड, ओके फाइन, ठीक है। एक पिक्चर्स है कि कंपोनेंट्स क्या हैं एक्टिवेटेड स्लज प्रोसेस के, तो इसमें मैंने बताया था आपको थोड़ा देर पहले कि इसमें एरेशन टैंक होता है, एक बड़ा एरेशन टैंक होता है ना, इसमें बेसिकली एयर जो है दैट विल प्ले अ रोल, ठीक है, टू यू नो टू बैलेंस द ऑक्सीजन लेवल ऑफ यू नो द वेस्ट वाटर। इसमें एरेशन सोर्स में लिखा, इंश्योर दैट एडिक्वेट ऑक्सीजन इज फेड इन टू द टैंक, प्रोवाइड प्योर ऑक्सीजन और कंप्रेस्ड एयर। तो प्योर ऑक्सीजन और कंप्रेस्ड एयर इसमें जो है टैंक में नीचे से नोजल से या साइड से प्रोवाइड की जाती है, ठीक है, सो दैट ऑक्सीजन लेवल शुड बी इंक्रीज। अनदर टैंक, सो ओके, दिस इज आई थिंक ऑल फॉर दिस इंट्रोडक्शन पार्ट। इंट्रोडक्शन पार्ट में हमने फिर भी ओवरव्यू अच्छा खासा ले लिया है,
इन नेक्स्ट लेक्चर में भी थोड़ा सा इसको कवर करेंगे जो भी बचा है आगे का, राइट। तो सेकेंडरी क्लेरिफायर वगैरह क्या होता है, ये एफिलेंट वगैरह क्या होता है, एक बेसिक तो मैंने आपको एक आइडिया दे ही दिया है। तो नेक्स्ट में थोड़ा सा इसको हम लेके एंड देन फर्दर वी विल मूव टू, ये एडवांस ट्रीटमेंट भी है, हल्का सा इनको ओवरव्यू भी ले लेंगे। तो इंट्रोडक्शन क्लास हमारी दो लेक्चर में डिवाइड हो गई, तो पहला लेक्चर आपका आज हो गया है। सेकेंड लेक्चर में हम इसका बचा हुआ रिमेनिंग पोर्शन कवर कर लेंगे एंड फ्रॉम द लेक्चर 3 ऑनवर्ड, तो लेक्चर 3 से हम अपना एक्चुअल कंटेंट स्टार्ट करेंगे। कंटेंट मीन्स एंड वी विल सी द पैरामीटर्स, वी विल सी द पैरामीटर्स। पैरामीटर्स मैंने बता दूं आपको, फिजिकल भी होते हैं इसमें जो है, केमिकल भी होते हैं, ठीक है, बायोकेमिकल भी होते हैं। तो अलग अलग तरह के पैरामीटर्स होते हैं, उनकी कुछ परमिसिबल लिमिट वगैरह हैं वो भी देखेंगे, वो पैरामीटर्स की डेफिनेशन भी देखेंगे, डेफिनेशन भी इंपॉर्टेंट होती हैं, ठीक है। और उसके बाद फिर देन वी विल मूव टू द प्रोसेस, सेडिमेंटेशन टैंक वी विल मूव, देन वी विल स्टडी द डिफरेंट डिफरेंट टैंक्स, उनके न्यूमेरिकल्स भी करेंगे, डिजाइन स्टेप्स भी देखेंगे, ठीक है, जो रिक्वायर्ड होंगे। तो दिस काइंड ऑफ थिंग वी विल कवर इन दिस कोर्स, ओके। तो आई होप आपको एक बेसिक आइडिया इसका लग गया होगा, एंड ठीक है, एंड आप थोड़ा देखें लेक्चर को अच्छे से, एंड आई विल अपलोड दिस ऑन यूट्यूब ऑल्सो, देन कोई डाउट होता है तो वेलकम, यू मे आस्क, ओके, एनी टाइम, ओके, थैंक यू।